स्वागत है जैन साहब आपका, गुड मॉर्निंग। बताएं सर, आपकी पिक कौन सा स्टॉक चुना है आज आपने? बिल्कुल, आज तो बहुत ही अलग टाइप का स्टॉक चुना और मैंने आज ब्लैक शर्ट पहना और ब्लैक के नाम से कोई कंपनी है। और अनिल जी, मैं कई बार क्या, मैं दावा वर्ड यूज करता नहीं हूं, बट ये दावे के साथ कह सकता हूं कि इस स्टॉक को कोई भी कहीं भी कभी भी किसी ने भी बात भी नहीं की भी होगी शायद इस कंपनी के बारे में। और मैं खुद भी आश्चर्य में कि मैंने भी इस चीज को बहुत ज्यादा पहले क्यों रेकमेंड नहीं किया। और नाम एकदम अलग है कंपनी का, और नाम है रोज, जनरली रेड होता है, बट इस कंपनी का नाम है ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अब ये कहां से आई है कंपनी? ये कंपनी का पुराना नाम था एशिया फैब लिमिटेड, बहुत पुरानी कंपनी है, 700 करोड़ की मार्केट कैप है और बेहतरीन क्वालिटी की कंपनी है। और सबसे बढ़िया बात है, इंडिया का फर्स्ट एक्रिलेमाइड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इस कंपनी ने लगाया हुआ है, पॉलीएक्रामाइड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इसने लगाया हुआ है, कुछ ये फैब्रिक्स बनाता है बेहतरीन क्वालिटी प्रोडक्ट्स में। और आजकल केमिकल्स का जमाना चल रहा है, केमिकल्स के सारे स्टॉक्स दौड़ के चल रहे हैं एकदम, और बहुत बढ़िया चल रहे हैं। तो केमिकल मैन्युफैक्चरिंग और केमिकल डिस्ट्रीब्यूशन में और टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में ये काम करती है। और सबसे बढ़िया बात है, कंपनी की अगर ग्रोथ की बात करें, पिछले 3 साल की कैगर अनिल जी 108% की, 3 साल की ग्रोथ थी 20% की, क्योंकि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो वो हाईएस्ट एवर 31% की आरओसी पे काम कर रहा है। और पी मल्टीपल भी 31 है, महंगा जरूर है बट जिस तरीके के फंडामेंटल्स दे रहा है, आरओसी अच्छी दे रहा है, आरओई करीब 33 के लगभग है। और सबसे बढ़िया बात है, डेट्स को रिड्यूस करते हुए आ रहे हैं और प्रॉफिट की कैगर के बाद जो डेटर डेज है वो कम हो रहे हैं। प्रोमोटर्स काफी एक्सपीरियंस्ड है, 1990 से ये कंपनी कार्यरत है और काफी अच्छे प्रोमोटर्स है, काफी क्वालिफाइड प्रोफेशनल मैनेजमेंट है। इन सबको देखता हूं तो ये स्टॉक बहुत अच्छा करेगा और मुझे लगता है कि ये आराम से 170 का पहला टारगेट और दूसरा 190 का टारगेट। ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज, शायद ये आया नहीं है इसपे स्क्रीन पे अनिल जी, तो ब्लैक रोज मैं कोड भी अगर कोशिश करता हूं, मैं बीएससी का कोड हो तो मैं निकालने की कोशिश करके देता हूं। नहीं, अब ये स्टॉक वैसे हमने भी पहली बार ही नाम सुना है और मैंने भी 25 साल में मैंने भी पहले कभी सुना नहीं, नया एशिया फैब जो आप बता रहे हो वो सुना है, तो हमारे डेटाबेस में है नहीं, तो कोशिश करेंगे। लेकिन एनीवे, क्या प्राइस चल रही है, टारगेट आपने क्या टारगेट क्या रखा है इसका, एक बार फिर से बता दीजिए साहब। 135 तो करंट कल की प्राइस थी और 170 और 190, पहला टारगेट 170 और दूसरा टारगेट 190, क्योंकि मुझे लगता है कि जिन लेवल्स पे मार्केट है यहाँ पे बहुत एग्रेसिवली मिड कैप स्मॉल कैप हम दे तो रहे हैं, बट ये भी ध्यान रखें कि प्रॉफिट बुकिंग भी साथ साथ करते जाते हैं, इसलिए छोटे छोटे टारगेट, क्योंकि पिछले 3 दिन जिस तरीके से मेरे स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म किया है, जैसा पहले दिन जो मंडे के दिन दिया था वो स्टॉक ऑलरेडी मंडे को तो कम चला था, ट्यूसडे को बहुत बढ़िया चला और वेनसडे को कल उसका टारगेट भी अचीव हो गया, तो बेहतरीन परफॉर्मेंस था। फिर आंध्र शुगर्स और फिर लिंकन फार्मा सब ये बायर पैक जैसे थे, तो मैंने वैसे ही सोचा कि छोटे छोटे टारगेट्स देंगे, 20-25% पैसा बनना चाहिए। तो ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज ये 135 के लगभग है और अभी 170-190 ऐसा होगा, और मैं एग्जैक्टली आपको अनिल जी अभी थोड़ी सी देर में मेरी टीम से एक बार बात करके मैं इसका कोड को जरूर से देता हूं। नहीं, वो तो बीएससी पे तो हमें मिल गया है, बीएससी पे तो अवेलेबल है स्टॉक, ऐसा नहीं लिस्टेड नहीं है, लेकिन हमारे डेटाबेस में नहीं है क्योंकि इतने सालों में मैंने भी कभी इसका नाम सुना नहीं। तो ठीक है, हमारे जनरली जो कम लिक्विड कंपनियां होती है जो फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड नहीं होती वो डेटाबेस में होती थी, उन्हें अलग से डालना पड़ता फिर बीएससी से कोड लेकर, कोड वोड हमारे पास है तो हमारा डेटाबेस हम अपडेट कर लेंगे। शुक्रिया जैन साहब।